अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस कंप्यूटर में हमारे पास मसला ये आ रहा था कि जब हम इसको एक पावर लगाते हैं और पावर बटन को जब हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर हमारा जो है वो ऑन नहीं होता। मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ उसके बावजूद जो है सप्लाई हमें नहीं मिल रही, हालांकि सप्लाई आप देखें वो रेड सी जो लाइट है हमारे CPU के अंदर वो ऑन है, बटन प्रेस करने के बावजूद सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। तो अगर आप अपना ये पैनल चेंज नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि आपका काम जो है पैनल को चेंज किए बिना ही हो जाए, तो उसका एक आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने करना क्या है, आपने इसका जो बैक कवर है इसे ओपन कर लेना है। ये सप्लाई जो है बटन का जो सप्लाई है ये रैम के पास, ये देखें रैम के पास ये इसकी सप्लाई आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पिन को हम निकाल देंगे। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे से, तो ये देखें मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा दूं। इसे हम थोड़ा सा पीछे करते हैं तो आपके पास कोई चाबी या कोई चीज़ होगी, आपने उसे पकड़ के इन 3 पॉइंट्स को शॉर्ट करना है, हल्का सा शॉर्ट करें। अब ये देखें मेरी जो है ये फ़ैन ऑफ है, तो जैसे ही मैं चाबी को लगाऊंगा इन पॉइंट्स के दरमियान में तो क्या होगा, ये पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। पॉइंट्स के शॉर्ट होते ही हमारा फ़ैन जो है वो ऑन हो जाएगा, मतलब हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो ये CPU ऑन हो गया है, ये देखें सिंपली, मतलब एक छोटा सा ट्रिक था। और ये देखें यहाँ पे हमारे डिस्प्ले भी आने लग गया है। तो डिस्प्ले में ये क्योंकि हमने सिस्टम को ऑन किया है तो थोड़ा टाइम ले रहा है डिस्प्ले शो करने में। तो अब ये देखें ये जैसे ही ये डिस्प्ले यहाँ पर शो हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो हमने अपने सिस्टम में जो वो पिन जो निकाली थी, जो पावर की जो पिन थी, उसे हम दोबारा से उसमें दोबारा वापस लगा देंगे। कुछ इस तरह से सिंपल है, बिल्कुल आसान सा तरीका है इसे लगाने का। तो इसे लगा देने के बाद ये देखें कि हमारा सिस्टम ऑन है, ऑन कंडीशन में, मतलब जब हम सप्लाई से देंगे तो सिस्टम हमारा ऑन होगा। तो अब क्या करना है, जब आपका सिस्टम ऑन हो जाए उसे शॉर्ट करने के बाद, आपने सिस्टम के बायोस में चले जाना है। तो अब हम मेरा सिस्टम जो है ऑन हो रहा है तो मैं सिस्टम के बायोस में चला जाऊंगा। तो F2 को मैं प्रेस करूंगा, F2 को प्रेस करने के बाद जो है वो सिस्टम का बायोस जो है वो ऑन हो जाएगा। बायोस सेटिंग में जाके पावर मैनेजमेंट की जो सेटिंग है हम उसमें जाएंगे। तो ये हमारी है पावर मैनेजमेंट की सेटिंग, इसे हम ऑन कर लेते हैं। मैंने AC रिकवरी को ऑन रखा हुआ था, बाय डिफ़ॉल्ट ही मैंने पहले कर दिया था, ये ऑफ होती है। तो हमने क्या करना होता है, इसे ऑन कर देना होता है। जैसे कि ये अब मैंने इसे ऑन किया है, तो ऑन होने के बाद मैं अब इसे अप्लाई कर दूंगा। तो जब भी मैं डायरेक्ट इसे ऑन करूंगा तो हमारा सिस्टम डायरेक्ट ऑन हो जाया करेगा, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये ट्रिक जो है वो आप डेल के, HP के किसी भी कंप्यूटर के ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पावर बटन का कोई इशू आ रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसे सप्लाई को ऑन करें। ऑन करने के बाद आप इसके बायोस में जाके AC सप्लाई को ऑन करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू।